गाइस लुक एट दिस, यहाँ अभी भी तांगी घुड़सवारी होती है और लुक एट द घोड़ा। सो $18। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। और आज का व्लॉग है जो वो है विक्टोरिया वाला। पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करो बिकॉज अभी तक मैं मूव नहीं हुआ हूँ, तो मेरा सामान गाड़ी में बहुत सारा अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसमें बर्तन वर्तन है जो बॉक्स पीछे दिख रहा है। घरेलू इंसान है भाई, हम कनाडा के घरेलू होना पड़ता है। तो ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया। निकलने का प्लान था मेरा जो था वो 10 या 11 बजे का था सुबह, और अभी बजे हैं 2। और ये जो ड्राइव है दिस इज़ ऑलमोस्ट कितना है, 1.5 घंटे की ड्राइव है, 150 किलोमीटर के आसपास है। सुबह क्यों नहीं जा पाया उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब कल मैं गया था हाइक पे शाम को, वो हाइक थी 6.5 किलोमीटर की, और वो जो हाइट जो हाइक थी वो काफ़ी अपहिल डाउनहिल थी, मतलब माउंटेन्स के बीच में थी, तो ऊपर जाना नीचे आना लाइक जैसे मनाली वगैरह में होती है उस टाइप की हाइक थी। तो घर आया भाई थक गया था बहुत ज़्यादा, और फिर सुबह लेट उठा, दो तीन दिन की छुट्टी है, सुबह लेट उठा और उठ के भी बेड में ही था क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी लेजी, और कहीं ना कहीं टांगे कहीं ना कहीं इट वॉज लिटिल बिट वो मीठा मीठा जो दर्द होता है वो था, बट ठीक है सब सही है। फिर अब फाइनली मैं उठा, नहाया धोया मस्त, कॉफ़ी तो नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड एज आइस कैप कॉफ़ी होती है, बट मैं इसको जाली कॉफ़ी कहता हूँ। ये मेरे लिए तब होती है जब मेरे को कॉफ़ी पीने का मन नहीं होता, और जब मैं कोई ऐसी ड्रिंक पीना चाहता हूँ जो कि जिसमें चॉकलेट है। सो इसमें काफ़ी आइस होती है, इट्स कॉल्ड एज आइस कैप। ये मोका है, इसमें चॉकलेट भी है, और ऊपर बहुत सारी ये लोग क्रीम डालते हैं, क्रशर्स जैसे होते हैं KFC के, काइंड ऑफ बट मोर ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर। ये है ऑलमोस्ट कितने की है, $2.5 की होगी शायद, या आई थिंक सो, हाँ मतलब वही $2.5 की, इंडिया के 100-150 की, विच इज़ ओके, यहाँ के हिसाब से तो बहुत सस्ती है। तो अभी मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा रास्ते का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा दिखा के बोर नहीं करूँगा, और फिर थोड़ा सा ब्लॉग विक्टोरिया जाके बनाएंगे। मुझे पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ वहाँ पर ऑनेस्टली। एक साइड तो मन था कि मत जा, दूसरी साइड था भाई चले जा, तो मैंने कहा चल चले ही जाता हूँ, देखते हैं। इतना फेमस है विक्टोरिया, ऐसा इसमें है क्या, ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल भी है, तो पार्लियामेंट वगैरह भी यहाँ पर, तो जाके देखते हैं, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसे ही ड्राइव करूँ और एक चक्कर मारूँ और वापस आ जाऊँ, तो देखते हैं भाई लोग, चलो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइस, सो मैं विक्टोरिया पहुंच गया हूँ, और यहाँ पर मैं एक बीच पे हूँ, नाम मुझे पता नहीं, आई हैव टू सी व्हाट द नेम ऑफ द बीच इज, बट आई विल शो यू, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, और ये पूरा ज़बरदस्त है, आई विल शो यू। I hope you can see the cargo ship. और पीछे वो माउंटेन्स है जो वाइट वाइट दिख रहा है। सो बहुत ब्यूटिफुल व्यू है यहाँ से। गाइस बहुत बड़ा बीच है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, पैरासेलिंग भी कर रहे हैं वहाँ पर, मैंने अभी देखा, इट इज़ सो नाइस। लाइक विक्टोरिया ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कनाडा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस है, और ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल भी है, तो पार्लियामेंट वगैरह भी है, पर आई डोंट थिंक अभी मैं जा पाऊँगा। आई माइट गो बैक आफ्टर दिस, आई माइट ग्रैब समथिंग टू ईट, बट यहाँ पर काफ़ी सारे डॉग्स भी हैं, दे आर ऑफ लीश, तो बहुत सही नज़ारा है,
सो गाइस दिस शोज कितने साइकिलिस्ट आज गए हैं यहाँ से. दिस इज़ अ नाइस थिंग. साइकिलिस्ट टुडे 462 साइकिलिस्ट यहाँ पर आ चुके. ऊपर डेट मेंशन्ड है. अभी हम म्यूजियम जा रहे हैं और ये स्ट्रीट जो है ये स्ट्रीट मार्केट टाइप है. काफ़ी सारी शॉप्स है, रेस्टोरेंट है यहाँ पर. और अभी एज पर द करंट रूल जो कोविड के चक्कर में है, रेस्टोरेंट्स के अंदर डाइन इन बंद हो चुका है. आप रेस्टोरेंट के अंदर खाना नहीं खा सकते हो, बट पैटियोज खुले हैं, आप लोग बाहर बैठ के खा सकते हो. और बाकी टेक अवे तक है बिजनेस. सो दिस सीम्स लाइक अ सुपर बिजी स्ट्रीट. नाम पता नहीं क्या है यार, ये तो ऐसे सरोजनी नगर टाइप्स लग रहा है मुझे. मतलब उतना बिजी नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक बिजी है. गाइस लुक एट दिस, यहाँ अभी भी टांग की घुड़सवारी होती है. लुक एट द घोड़ा. सो गाइस ये यहाँ का पार्लियामेंट है. पढ़ा तो यही है मैंने, तो आई होप यही होगा. मस्त पुराने स्टाइल का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है ऑब्वियसली. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया. लुक सो ब्यूटीफुल. अभी मैं म्यूजियम ढूंढ रहा हूँ. अभी यार पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली थी मुझे यहाँ पे, सो आई एम नॉट श्योर म्यूजियम कहाँ मिलेगा. I don't know आप लोग वो सब देख पा रहे हो, वो हार्बर है. दैट्स वेयर द पीपल पार्क देयर बोट्स. पूरा देख लो भरा पड़ा है. ये लंबे लंबे जो वाइट कलर के पोल्स दिख रहे हैं मेनली, ये जो स्मॉल बोट्स हैं इन्हीं का पार्ट है. सो अभी आई ट्राई टू फाइंड आउट द एंट्रेंस फॉर दिस एंड फिर देखता हूँ अगर कैमरा अंदर अलाउड है या नहीं. सो विल सी. सो $18 की टिकट है पर पर्सन. अगर आप स्टूडेंट है तो आपको शायद थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा. आई डोंट नो विच वे टू गो, सो आई विल चेक. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ज़्यादा खास. बट इट्स ऑल अबाउट कि कौन कौन से जानवर हैं जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं, जो कि अब है नहीं. और इट्स ऑल अबाउट लाइक आइस एज और कैसे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है. Look at this. I don't know if you guys can see this. This is so beautiful. If you look at this, बिल्कुल असली लग रहे हैं. इसकी एक टर्म होती है, I don't know if it's taxidermy or something. तो ये असली ही होते हैं. इनको प्रिजर्व करा जाता है, इनके अंदर कुछ केमिकल वगैरह वो सब करके. Look at this. Wow. वो देखो सी लायंस. लुक सो ब्यूटीफुल. और ये सब 3D काइंड ऑफ इफेक्ट है. ये सील हैं शायद. देखो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, शायद अभी भी होंगे पता नहीं. मतलब इसमें ये सब है म्यूजियम में. पेंगुइन भी है वहाँ पे. इट्स सो नाइस. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. सो गाइस ये सेक्शन है ह्यूमन हिस्ट्री का. और कनाडा की जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट नेशंस कनाडा का है जो उससे शुरू होती है. आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल कर सकते हो, उनके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स है. फर्स्ट नेशंस बेसिकली वो लोग हैं जो कनाडा में सबसे पहले यहाँ पर ही थे. उसके बाद यूरोपियंस आए थे और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन शुरू हुआ था कनाडा में. बट If you'll talk about जो सबसे पहले लोग हैं वो फर्स्ट नेशंस कहा जाता है उनको. आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो गूगल पे. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन लोगों के बारे में. शिप के अंदर भी जा सकते हैं. शिप के अंदर चलते हैं. वाओ लुक एट दिस. सब पुराना सामान है.
ये साउंड बहुत जबरदस्त है इन लोगों की जो